या बातमीचे प्रस्तुतकर्ता हॉटेल टेंट सिटी शाखारी व मांसाहारी जेवणाचं उत्तम ठिकाण। आमचा पत्ता संगमनेर भंडारदरा मार्गावर सुगाव बुद्रुक तालुका अकोले जिल्हा अहमदनगर। धुळे शहरामध्ये पाणी प्रश्न चांगलाच पेटला आणि गेल्या काही दिवसांपासून जवळपास 8 ते 10 दिवसानंतर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातोय, त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते आणि यामुळे प्रशासनाच्या विरोधामध्ये आक्रमक भूमिका घेत प्रभाग क्रमांक 3 येथील नगरसेविका नाझिया नासिर पठाण यांनी धुळे शहरातील नवरंग पाण्याच्या टाकीवर चढून पालिका प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी शोले स्टाईलनं आंदोलन केलंय। या आंदोलनादरम्यान प्रभागातील महिलांनी देखील नगरसेविका नाझिया नासिर पठाण यांच्यासह पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईलनं आंदोलन केलंय। तापमानाचा पारा हा 41 तर कधी 42 तर कधी 44 अंशापेक्षा देखील पुढे जात असल्यानं एकीकडे उन्हाच्या झळा सहन कराव्या लागतात, त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील वणवण करावी लागते आणि या संदर्भात लोकप्रतिनिधींतर्फे पालिका प्रशासनाला या संदर्भात वारंवार निवेदन देण्यात येत आहे, परंतु पालिका प्रशासन या संदर्भात गांभीर्य घेत नसल्यानं लोकप्रतिनिधी आक्रमक होत आहेत, आज हे टोकाचं पाऊल उचललं आहे। यानंतर तरी पालिका प्रशासन दखल घेऊन लवकरात लवकर पाणी पुरवठ्यावर नियोजन करेल का, अशी आशा आता आंदोलन करता लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे। प्रभाग क्रमांक 3 की नगरसेविका नाझिया नासिर पठाण, आज हम नवरंग टाकी के ऊपर सब लेडीज मिलकर यहाँ पर आंदोलन किए टाकी के ऊपर चढ़कर। हमारे शहर में पानी की बहुत तकलीफ है, 15 से 20 दिन पानी नहीं मिलता है। इतने कड़क धूप के अंदर हमें पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से हमारी सारी लेडीज़ यहाँ पर जमा होकर हम आंदोलन किए। मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, ये विनती है कि अगर उन्होंने पानी की समस्या हल नहीं की तो हम इससे बड़ा आगे जाकर आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। हम सोहिवी नगर पालिका को जगाने के लिए यहाँ पर पानी की टाकी पर खड़े होकर आंदोलन किए। आज इतनी धूप में हमारी लेडीज़ चल कर आई और इतने ऊपर इतने सारे बुजुर्ग लेडीज़ हैं हमारी, उनसे नहीं भी चला गया तो ऊपर चढ़कर वो टाकी के ऊपर आंदोलन किए, क्योंकि पानी की इतनी तकलीफ है। पानी इतनी धूप में लेडीज़ हमारी हैंडल ले लेकर इधर से उधर भटकती है, तो हम इससे ज़्यादा आंदोलन करेंगे। मेरी यही उनसे विनती है कि हमें पानी की जो समस्या है उसको हल करो, उसका कोई हम बार बार नगर पालिका में तकरार करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमारे पानी का जो निवेदन है उसको सही करो, लेकिन नगर पालिका हमारी इसके ऊपर तवज्जो देती नहीं, वो हाँ कर कर टाल देते हैं हमारी बात को। बार बार हम तकरार कर रहे हैं इसी बात पर। हमारी जो मैं एक अपने स्टैंडिंग की सदस्य हूँ स्थायी समिति की, बार बार स्थायी अपनी जो स्थायी समिति की जो अपने साप्ताहिक वो है सभा, उसके अंदर बार बार हम बोलते हैं लेकिन उस पर हम कोई अमल बजावनी नहीं है। सभापति साहब बोलो, सत्ताधारी बोलो, प्रशासन बोलो, हाँ करके हमारी बात को सुनते हैं, उस पर कोई अमल बजावनी नहीं है और हमारे नागरिक को पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 15 मराठी साठी खंडेराव पवार धुळे।